नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में एक गुटखा निर्माण कंपनी के द्वारा सरकार को 19 अरब 46 करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यह मामला सरकारी कर्मचारियों के मिले भगत से लगातार फल फूल रहा था, और जब कंपनी पर छापा डाला गया तो पता चला कि कंपनी के 21 इकाइयों में 2000 से अधिक मजदूर 16-16 घंटे की शिफ्ट में 24 घंटे काम कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ मामले में पाया गया कि इस कंपनी में राजश्री, कमला पसंद, पान मसाला, अन्य कई उत्पादों के नाम पर लगभग 18 प्रकार के उत्पाद निर्मित किए जा रहे थे, जिनकी उत्पादन इकाई की क्षमता से अधिक उत्पादन किया जा रहा था। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया में जब बात की गई और फैक्ट्री में निर्माण कर्मचारियों के बारे में जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कई कर्मचारी 18 साल से भी कम उम्र के होकर भी इस कंपनी में काम कर रहे थे। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।